हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA प्रोग्राम का ये माइनर पेपर नंबर 2, जो कि आपको ऑप्शन में मिला होगा, बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। इसका सिलेबस देखेंगे कि टोटल कितने यूनिट्स हैं हमारे, किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, डिटेल में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं आप लोगों को आपका सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, इसी वीडियो में मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले मैं आपको हिंदी मीडियम का सिलेबस बता देती हूँ, फिर हम इंग्लिश मीडियम में सिलेबस को भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके नंबर्स ऑफ यूनिट की। तो इसमें आपको टोटल 3 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। नंबर्स ऑफ यूनिट हो गए आपके टोटल 3। ये सबसे पहला यूनिट है आपका। यूनिट वन में टोटल 4 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ोगे आप कि शिक्षा, एजुकेशन जो है वो होता क्या है, उसके एम्स क्या क्या हैं, मीनिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस है उसका, मतलब शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया के बारे में पढ़ोगे सबसे पहले आप। उसके बाद आएंगे हम हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, मतलब कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, राइट, जिसमें पढ़ोगे सबसे पहले शिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, अधिगम, मतारोपण और स्कूलिंग और शिक्षा के बारे में पढ़ोगे आप इसमें। उसके बाद इसी में आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा शिक्षा का ज्ञान मीमांसा आधार। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप के आधार, जैसे कि ज्ञान हो गया आपका, नॉलेज है ना, विश्वास, बिलीफ हो गया आपका, जांच और तर्क, इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे शिक्षा का नैतिक अधिकार क्या क्या है, जैसे मानव स्वभाव, मूल्य और आदर्श के बारे में। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 1 के टोटल 4 जो हैं यूनिट हो गए, टोटल 4 टॉपिक्स हो गए आपके यूनिट 1 के। आगे बढ़ते हैं हम हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में भी हमको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 2 के। सबसे पहले तो इसमें पढ़ोगे आप समाजीकरण और शिक्षा क्या होता है। सबसे पहले समाजीकरण के बारे में पढ़ोगे, फिर एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे आप संस्कृति और शिक्षा के बारे में, राइट, संस्कृति क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, मीनिंग क्या है उसका, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। देन पढ़ोगे आप अपने चैप्टर नंबर 3 में संवैधानिक मूल्य क्या है, जैसे कि समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, है ना, मानव अधिकार हो गया, तो ये सब संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, तो इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे आप। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार। ठीक है, जो डेवलपिंग और डेवलपिंग जो सोसाइटी है हमारी और लोकतांत्रिक सोसाइटी जो है हमारी, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे हम एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, मतलब जो एम है वो कैसे सेट किए जाते हैं। ठीक है, कैसे उसका निर्माण होता है, उसके क्या क्या आधार हैं, इसके बारे में। ठीक है, देन आते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें टोटल 5 पार्ट हो गए हमारे इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे श्री अरविंदो के बारे में, ये कौन थे, क्या थे, इसके बारे में पढ़ोगे इसमें। उसके बाद इसका अगला चैप्टर रहेगा जिद्द कृष्णमूर्ति के बारे में। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 2 में। देन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे जॉन डीवी के बारे में, उसके बाद पढ़ोगे जो जैक्स रूशो के बारे में एंड पोलो फ्रेरे के बारे में पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। क्लियर हो गया आपको? तो ये थे आपके तीनों यूनिट। अब हम बात कर लें अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी देख लेते हैं सिलेबस उनका। तो देखो, यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपको दोनों लैंग्वेज में। यूनिट 1 है आपका एजुकेशन, मीनिंग, एम्स एंड प्रोसेस, सबसे पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग के बारे में पढ़ोगे, स्कूलिंग एंड एजुकेशन के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद बेसिस ऑफ एजुकेशन पढ़ोगे, जिसमें नॉलेज है, बिलीफ है, इंक्वायरी है। ठीक है, बिलीफ के बारे में पढ़ोगे, इंक्वायरी के बारे में पढ़ोगे, रीजनिंग के बारे में पढ़ोगे।
ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ोगे मीनिंग नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सोशलाइजिंग एंड एजुकेशन पढ़ोगे सबसे पहले, देन कल्चर एंड एजुकेशन पढ़ोगे अगले चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में, जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सेक्युलरिज्म है ना, ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। देन आगे पढ़ोगे इसमें बिल्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अगला यूनिट, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 में, जैसे कि मैंने बताया, श्री अरविंदो के बारे में पढ़ोगे, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ोगे, जॉन देवी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये अलग अलग आपके नाम दिए गए हैं इसमें, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये कौन है, क्या है, इन पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इस यूनिट 3 को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। ये जो पांचों इसमें टॉपिक दिए गए हैं आपको, मतलब पांचों अलग अलग यहाँ पे लोगों के नाम दिए गए हैं, ये कौन है, क्या है, और इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमें इनके बारे में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्री अरविंदो के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। इनके बारे में परिचय दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद इनका लाइफ कैसा था, अरविंदो घोष का जो जीवन है, जो लाइफ है, वो कैसा था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इनका शैक्षिक दर्शन क्या था, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद इसी में पढ़ोगे अध्यापन की विविधियाँ क्या क्या है, शिक्षक का स्थान क्या था, छात्र का क्या स्थान था, इसके बारे में। उसके बाद इनके थ्रू दी गई कुछ टिप्पणियाँ हैं, कुछ कमेंट्स हैं, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको इसी में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ना। टॉपिक है आपका अरविंदो के इंट्रिगल शिक्षा संबंधी टिप्पणियाँ, ठीक है। इसमें अलग अलग इन्होंने टिप्पणी दी है, संग्रम, समग्र शिक्षा के उद्देश्य, समग्र शिक्षा के चरण क्या क्या थे, इन सभी के बारे में। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इनके आश्रम के बारे में भी पढ़ाया गया है, वो भी पढ़ोगे आप। इसी तरह से जो अगला रहेगा आपका, अगला है आपका जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। तो इसमें पढ़ोगे आप सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, इनका ये कौन थे, क्या थे, ठीक है। इनका जीवन का विवरण, जीवनी विवरण, प्रारंभिक जीवन क्या था इनका, उसके बाद उन्होंने क्या क्या खोज की, इन सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इनके क्या दृष्टिकोण है एजुकेशन को लेके, ठीक है, क्या विचार है इनके, इसके बारे में भी। उसके बाद इनका जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन का महत्व क्या है, ठीक है, समालोचना क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा जॉन डीवी को लेके, ठीक है। तो इसमें भी इनका इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, शैक्षिक उद्देश्य पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद समालोचन पढ़ाया गया है इसमें भी। तो इसी तरह से आपके और भी दोनों चैप्टर्स हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में कई बार इनको लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये था आपका आज का सिलेबस, आपके बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन का। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल एंड फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।